जय श्री राम दोस्तों, मैं अमित कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टूडेंट ज्ञान में। अगर आप लोग सरकारी जॉब की तैयारी करते हैं और नहीं मालूम चलता है कि कब कौन सा नोटिफिकेशन आने वाला है जॉब एडमिट कार्ड रिजल्ट की, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह चैनल आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन देने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको जस्ट वीडियो के नीचे एक लाल सा बटन पर क्लिक करना होगा, जहां लिखा होगा सब्सक्राइब। जैसे ही आप सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे। जुड़ने के बाद आपको बेल के आइकन पर क्लिक करना होगा, इससे यह होगा कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और ये दोनों काम बिल्कुल फ्री है, आपको इसमें एक भी पैसे नहीं लगने वाले हैं। तो जल्दी से दो काम कर ले ताकि आने वाले जो भी मेरे वीडियो उनसे आप अपडेट रहें। तो चलिए आज की जो वीडियो उसको स्टार्ट करते हैं। आज की जो वीडियो है रिजल्ट से रिलेटेड है, मेरिट लिस्ट और कटअप से रिलेटेड है। तो आइए जानते हैं कि किसका निकला है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम जो नेम है प्रोजेक्ट मैनेजर का है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं BRLPS 3408 पोस्ट रिजल्ट कट ऑफ इंटरव्यू लेटर सभी आया है और मेरिट लिस्ट इसका आया है। तो कैसे इसको चेक करना है मैं आपको यह बताऊंगा। उससे पहले आपको मैं बता देना चाहता हूं कि आपको कैसे ये डाउनलोड करना होगा। तो इस पेज का लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, डायरेक्ट आप यहां पर आइएगा। और आने के बाद यहां पर आपको चार चीज़ मिलने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको यहां पर मिलने वाले हैं डाउनलोड कटअप, उसके बाद आपको डाउनलोड इंटरव्यू लेटर, उसके बाद आपको डाउनलोड फाइनल रिजल्ट, और सबसे मेन जो आपका ये है मेरिट लिस्ट, ठीक है दोस्तों। तो हम बात करेंगे मेरिट लिस्ट की, उसके बाद हम आपको बताएंगे कटअप के बारे में। चाहिए दोनों ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको चलना होगा मेरिट लिस्ट पे। तो यहाँ पर ये देख लीजिए मेरिट लिस्ट है, और ये करीब आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 118 पेज में है यहाँ पर ये मेरिट लिस्ट, ठीक है। तो आपको सर्च कैसे करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर दिया गया है, तो आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है। जैसे ही आप अपना एप्लीकेशन नंबर डालते हैं तो आपका जो है कि रहेगा इसमें, तो आपका शो हो जाएगा। तो एप्लीकेशन नंबर कैसे अगर डालना है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इतना आपको लिखना है, यहाँ से कॉपी करना है। उसके बाद जो आपका अगर आईडी अगर मालूम है तो ठीक है, नहीं तो आपके पास एप्लीकेशन नंबर तो ज़रूर होगा ही, ठीक है, क्योंकि आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो आपके पास होगा। तो उसको जैसे आप इसमें सर्च करते हैं, कुछ भी यहाँ पर सर्च करेंगे तो आपका आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि हम लिखते हैं तो देखिए यहाँ पर मैंने इतना लिखा हूँ BRLPS करके, ठीक है, इतना यहीं भी है। उसके बाद कोई भी अगर हम मैं अंक यहाँ पर डालूँगा, ठीक है, उसके बाद अगर हम कोई भी यहाँ पर अंक डालते हैं, मान लें 5 डालते हैं, तो देख लीजिए यहाँ पर चेंज हो गया 5। अगर मान लेते हैं इसको हम घटाकर 7 डालते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं 7, 0 करते हैं अगर यहाँ पर तो 0 हो गया। इस तरह से आपको अपना चेक करना होगा, ठीक है दोस्तों। फिर भी कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपका हेल्प करूँगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा कटअप की ओर थोड़ा सा ध्यान को आकर्षित करते हैं। तो ये कटअप है, आप लोग देख सकते हैं कैटेगरी वाइज कटअप ऑफ मार्च 17 पॉइंट्स ऑफ BRLPS का है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कैटेगरी UR BC and BEC का है, यहाँ पर सभी का आपको यहाँ पर मिल जाएगा देखने को, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर देख लीजिए ये है प्रोजेक्ट एसोसिएशन अकाउंटी SPM करके, जो है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऑफिस असिस्टेंट का है। तो इसी तरह से आपको भी चेक करना होगा मैनेजर मॉनिटर इवेल्यूएशन का है। उसी तरह से आपको यहाँ पर सभी का दिया गया है, करीब 6 पेज में दिया गया है, सॉरी 6 पेज करें 6 पॉइंट में यहाँ पर आपको दिया गया है, ठीक है। तो इसको आपको अच्छी तरह से वॉच कर लेना है। सेकेंड में आते हैं, आपको मैं बताता हूँ क्या देखिए यार। तो सेकेंड में आप लोग देख सकते हैं कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्च 4 ब्लॉक कॉन्टोर LSBA का, तो ये इसका एक ही है ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर एक ही पॉइंट में दिया गया है, ये देख लीजिए, और ये है कैटेगरी वाइज यहाँ पर आपको दे दिया गया है, ठीक है। फीमेल मेल सभी के लिए यहाँ पर बता दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, लाइक करने के बाद वीडियो को अगर मन हो तो शेयर भी कर दीजिएगा। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमसे कोई दिक्कत हो रही है तो आप हमें कमेंट जरूर करें ताकि मैं उसको सुधार सकूं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।